डियर स्टूडेंट्स, पिछले शीर्षक में मैंने बताया था कि किस तरह मीर कासिम का जो योग्य प्रशासन था वह अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा था। जैसे मैंने बताया था कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि बंगाल में कोई योग्य नवाब शासन करे और उन्हें आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप का मौका न मिले। मैंने स्पष्ट किया था कि किस तरह दस्तक के प्रश्न पर अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच मतभेद हो गए थे, किस प्रकार अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग करते थे और किस तरह दस्तक प्रमाण पत्र को वे भारतीय व्यापारियों को बेचकर नवाब के भारतीय व्यापारियों द्वारा वसूले जाने वाले कर को भी क्षति पहुंचा रहे थे। अंततः मीर कासिम ने ऐसी कार्रवाई की कि उसने सभी आंतरिक कर हटा दिए। अब इस कदम से ये हुआ कि भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारियों के समान हो गए, दोनों के अधिकार बराबर हो गए, दोनों की कर व्यवस्था समान हो गई। यद्यपि आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि नवाब ने कोई अन्यायपूर्ण काम नहीं किया था, उसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कदम उठाया और साथ ही साथ उसने अपने भारतीय व्यापारियों पर भी अनुग्रह किया और दोनों को समान स्थिति में ला दिया। अंग्रेज उसके इस कदम से खुश नहीं थे क्योंकि इससे अंग्रेजों की जो विशिष्ट स्थिति थी वह समाप्त हो गई थी। वेनसिटाल्ट तथा वारेन हेस्टिंग्स का विश्वास था कि नवाब ने अपनी प्रजा पर एक ऐसा अनुग्रह कर दिया है जिसका विरोध करने का उनके पास कोई तर्क नहीं था और उसके न मानने पर और उसे हटाने पर भी उन्हें कोई अधिकार नहीं था। परंतु जो गवर्नर की परिषद के सदस्य थे वे चाहते थे कि नवाब अपनी प्रजा पर कर लगाए रखे क्योंकि उसी दशा में वे दस्तक का दुरुपयोग कर सकते थे। इस प्रकार कलकत्ता काउंसिल के लोग नहीं चाहते थे कि नवाब अपनी प्रजा पर न्यायपूर्ण ढंग से शासन करे और इसका परिणाम यह हुआ कि पटना के एक अंग्रेज अधिकारी एलिस ने उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई करते हुए पटना नगर पर आक्रमण कर दिया और इस तरह युद्ध की परिस्थितियां तैयार हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज और मीर कासिम के संबंध बिगड़ गए। यद्यपि मीर कासिम जानता था कि वह अंग्रेजों की तुलना में अत्यंत दुर्बल है, परंतु अब झगड़ा न्याय अन्याय का नहीं था अपितु केवल बल का था। मीर कासिम यद्यपि शासन करने में योग्य था परंतु उसकी मूर्खता यह थी कि वह स्थिति का ठीक ठाक आकलन नहीं कर पाया। वह नहीं समझ पाया कि अंग्रेज उसकी तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं अब और जो सिराजुद्दौला के समय की स्थिति है वह अब बदल चुकी है। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और 1763 ईस्वी से ही ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच छोटे छोटे युद्ध आरंभ हो गए। कई झड़पें हुई और मीर कासिम ने बार बार मुंह की खाई अर्थात पराजित हुआ। अब मीर कासिम भागकर अवध पहुंचा। उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम से मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से निकालने की एक योजना तैयार की। अब इन तीनों की सम्मिलित सेनाएं जिनमें इतिहासकारों के अनुसार 40 से 50,000 के बीच सैनिक थे, इन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली और इसका परिणाम यह हुआ कि इनकी सम्मिलित सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ बक्सर नामक स्थान पर, जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इतिहासकारों का मानना है कि कंपनी की सेना में 7,027 सैनिक थे और उसकी कमान मेजर मुनरो के हाथ में थी। ऐसी स्थिति में युद्ध बड़ा घमासान हुआ और इस बारे में कहा गया है कि अंग्रेजों के 847 सैनिक इस युद्ध में मारे गए और दूसरी ओर जो मीर कासिम शाह आलम और सुजाउद्दौला की सेना थी लगभग 2,000 के लोग इसमें घायल हुए और
उतने ही लगभग मारे भी गए। यह युद्ध जो है युद्ध कौशल से जीता गया, माने इस युद्ध में वही पक्ष जीता जिसकी रणनीति कुशल थी, जिसकी सेना ज्यादा योग्य थी, और अंततः मीर कासिम, शुजाउद्दौला और दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम हार गए। इस तरह बक्सर के युद्ध ने जो है भारत के भाग्य पर एक प्रकार से मोहर लगा दी, और अब यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज भारत के भाग्य विधाता बन गए एक प्रकार से, और उनको रोकने वाला अब कोई नहीं रहा। यह इस युद्ध का एक बड़ा परिणाम था। इस बक्सर के युद्ध ने इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि मीर कासिम का भाग्य हमेशा के लिए पलट गया, अंग्रेजों को भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाने का मौका मिल गया, और मुगल सम्राट अंग्रेजों के अधीन आ गया। और यही नहीं, साथ ही साथ जो अवध का नवाब था वह भी एक प्रकार से अंग्रेजों का अधीनस्थ बन गया। इसके बाद अंग्रेजों ने शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि की। और देखो अंग्रेजों की कूटनीति और उनकी रणनीति कैसी थी, इलाहाबाद की संधि को संपन्न करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में अब जो राजनीतिक फैसले होने थे उन फैसलों को लेने के लिए तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुनः इंग्लैंड से क्लाइव को भारत भेजा, और क्लाइव को ही यह मौका दिया कि वह क्या करेगा, आगे के निर्णय लेगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि क्लाइव को यह दायित्व दिया गया कि वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम से राजनीतिक संबंध स्थापित करे और उनका भविष्य तय करे। क्लाइव जब भारत पहुंचा तो उसने इलाहाबाद नामक स्थान पर, इलाहाबाद में उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मुलाकात की और उससे संधि की शर्तें तय की। इलाहाबाद की संधि की जो शर्तें थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, उन शर्तों के अनुसार 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला से संधि हुई, और उन संधि की शर्तों के अनुसार नवाब को इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले सम्राट शाह आलम को देने थे। दूसरी शर्त थी युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपए देना तय हुआ, और साथ ही साथ तीसरी शर्त यह थी कि नवाब बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर में प्रस्थापित करेगा, जिसको पहले हटा दिया गया था, पुनः बलवंत सिंह को उसकी जागीर में स्थापित कर दिया गया। साथ ही साथ संधि में यह भी तय था कि कंपनी नवाब की निशुल्क सैनिक सहायता करेगी, उसकी सीमाओं की रक्षा करेगी, और बदले में नवाब जो है कंपनी को धन देगा। आपको यह समझना होगा कि यह एक प्रकार से सहायक संधि की शुरुआत थी। यहीं से हम सहायक संधि की बीजों को या उसका बीजारोपण समझ सकते हैं। और इसी तरह इलाहाबाद में ही मुगल सम्राट शाह आलम से भी संधि की गई। शाह आलम से जो संधि की गई उसके अनुसार शर्तें थी कि सम्राट शाह आलम को अब अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया, और उसके लिए इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले दिए, जो जिले अवध के नवाब से ले लिए गए थे। साथ ही साथ शाह आलम ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व अर्थात कर वसूली का समस्त अधिकार स्थायी रूप से दे दिया, और बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया, और साथ ही साथ निजामत अर्थात प्रशासनिक कार्यों के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देना स्वीकार किया। और इस तरह हम समझ सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि ने भारत का भाग्य ही नहीं पलट दिया, बल्कि अंग्रेजों को भारत में अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।